بسم الله الرحمن الرحيم. جيهرة ترجمة جيهرة. هل هذه شجرة؟ क्या आपका शजरा आपका गलत, आप नहीं है। हल हल क्या क्यों आता है? ये क्या ये हाँ शजरा फैमिली ट्री कहते हैं इसको? ले, तो आप ये गूगल गूगल ट्रांसलेट कर रही हैं क्या? क्या लड़की है ये? हल हाजी सर ही मैं अभी 22 साल हूँ, बहुत ज्यादा थकी हूँ, बहुत ज्यादा सर घूम रहा है बिल्कुल। शजरा का मुझे याद नहीं है सर। हाँ, शजरा का मतलब शजरा नसब होता है, शजरा नसब फैमिली ट्री होता ठीक है। शाबाश। है। नाम हाजी उसरतुल रसूल। हाँ जी ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। ठीक शाबाश। है। सल्लल्लाहु अलैहि इसमें ना वसल्लम देखो, ये दुरूद लिखा हुआ है ना, ये अधूरा है। देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ में ना दो चीज, अलैहि दो चीजें चेक करनी चाहिए वसल्लम। हमेशा। दुरूद शरीफ में दो चीजें होनी चाहिए, एक सलात और एक सलाम। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए, चूंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ठीक है, एक तो सलात होना चाहिए, सलाम होना चाहिए, ये सीगा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है इसमें, ये तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अव आलिही का इजाफा फरमाया। ठीक है, तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम, जैसे हमने नमाज में पढ़ते हैं, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ठीक है, तो सल्लल्लाहु अलैहि व सही, आलिही वसल्लम, ये पूरा दुरूद शरीफ है। ठीक है, शाबाश। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाजा वालिदुहु अब्दुल्ला, ये आपके वालिद अब्दुल्ला हैं। वहाजही वालिदतु वालिदु वालिदतुहु आमिना, और ये आपकी वालिदा हैं आमिना। वहाजा जद्दुहु अब्दुल मुत्तलिब, और ये आपके और ये दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब। वहाजा अम्मुहु अल अब्बास, और ये चचा हैं अब्बास। वहाजा अम्मुहु हमजा, और ये चचा हैं ये और ये चचा हैं हमजा। वहाजा अम्मुहु अबू तालिब, और ये अबू तालिब चचा हैं। वहाज ही अम्मतहु सफिया, और ये चची हैं सफिया। वहाजा इब्नहु अलकासिम, और ये बेटे हैं कासिम। वहाजा इब्नहु अब्दुल्ला, और ये बेटे हैं अब्दुल्ला। वहाजा इब्नहु इब्राहिम, और ये बेटे हैं इब्राहिम। वहाज ही इब्नतहु फातिमा, और ये बेटी हैं फातिमा। वहाज ही इब्नतहु रुकैया, और ये बेटी हैं रुकैया। वहाज ही इब्नतहु जैनब, और ये बेटी हैं जैनब। वहाज ही इब्नतहु उम्मु कुलसुम, और ये बेटी हैं कुलसुम, उम्मी कुलसुम। शाबाश लड़की। अच्छा मुझे बताओ हिरा, ये हु का जी मतलब क्या होता है? इब्न हु, इब्नत हु, ये हु क्या होता है? इंग्लिश में बता दीजिए। इतना हो वो उसका हो, एक बता दो, इनमें से एक बता दो। हो इब्न हो इसका उनका इब्न हो इब्न हो इब्न हम ये इन तुक्कों में से कौन सा दरदान तुक्का पकड़ लूं मैं? इतने तुक्के कैसे पकड़ूंगा? एक तुक्का फेंको तो मैं वो पिक पकड़ लेता हूँ। शाबाश। इब्न हो उसका उस बस इब्न खत्म, हो बस बस। हाँ उसका मगर उसके बाद, हाँ, ऐने कहो। ठीक हाँ बस, कह दिया ये मैंने, है। कह कह दिया तो कह दिया। कैसी लड़की है, लड़कियां तो ऐसी दिया होती है, मैंने कह दिया तो कह दिया, मतलब ये हो गया है जी सही, उसका हिस। बस एक ही लफ्ज है, ठीक किताबहू उम्मुहू रसूलहू अब्दुहू, तो इसका मतलब है उसका उसका उसका। शाबाश ठीक हो गया। शाबाश शाबाश, लड़की कामयाब छिड़ जी। ये अम्मा तो हो के मायने तो फुप्पो के होते हैं ना? अम्मा जो है फुप्पो होते हैं। शाबाश, फुप्पो, फुप्पी जो होती है। अच्छा सॉरी, मेरे बच्चे जी जी शाबाश। अम्मा अच्छा चाची। तो हाँ ठीक हो गया। वो क्या नाम है इसका, लड़की का? नाजिया से बात करता हूँ तो वो कहती है मैं कंफ्यूज रहती हूँ, आपसे कहूँ तो थक गई है, तो सिदरा पड़ेगी, सदरा तो सारा पढ़ देगी।
वो तो नवाला बना के सारा खा जाएगी, तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए आप ही पढ़ो ताकि आप लोग जो है ना इसमें जरा जरा कामयाब हो जाओ, जरा जरा आगे हो जाओ। फिर हम जरा ये किताब खत्म होगी, फिर हम सिर्फ अरबी बोलेंगे, फिर क्या करोगी? शाबाश। ये अपना क्या लड़की, इसका नाम है नाजिया, जरा पढ़ के सुनाओ जल्दी से। शाबाश। फिर मैंने आपको समझ। कुरान मजीद लेके जाना, उधर लेके जाना है जी, इसका तर्जुमा करती जाओ। हाँ हाजन हाजन अजान उल फजर, ये फजर की अजान शाबाश, पढ़ते जाओ। वही शाबाश। है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐनुल औलाद औलादु, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आपकी औलाद कहाँ है? तो ठीक है, आपकी आपकी कहाँ है लड़की? नहीं, ऐन औलाद औलाद कहाँ है? शाबाश। नहीं, आप मुझसे पूछो नहीं, बस आप पढ़ती जाओ। शाबाश, सर ये गलत वो पढ़ूं। सही है ना? हम रोकेंगे, हमको साधन, हम पढ़ने देंगे। अच्छा ठीक है, शाबाश। साधन फिल फिल हमाम और यतवद्दाउ, साथ जो है वो हमाम में वुजू कर रहा है, वाइना साधुन और सही। साथ सईदुन, और सईद कहाँ है? सईदुन फिल गुरफातिन यक राउल कुरान, सईद कमरे में कुरान की तलावत कर रहा है, वाइना सईदातुन और सईदा कहाँ है? सईदतुल फिल उसल्ली उसल्ली तुसल्ली गौर से देखो, सर, गौर से देखो। सईदतुल मुसल्ली मुसल्ला मुसल्ला तुसल्ली, सईदा जो है वो शाबाश जनमाज में जनमाज नमाज अदा कर रही है, शाबाश, ठीक मुसल्ला ठीक है। है। हाँ, ऐना मेताफ और मेताफ कहाँ है? हाजा होवा मेताफुल या वालिदी, और जो मेताफ जो है वो वालदा के पास बैठा हुआ ले, मैं तब बैठा नहीं था, मैं आतफ है, मैं आतफ कहते हैं ओवर कोट को। हाजा हुआ अल मेआतफ, ये रहा अच्छा आपका मेताफ, ओवर कोट या अच्छा वालिदी, मैंने कहा ये शायद ये किसी का नाम ना हो। मेरे बाबा, ठीक है, वालिदा नहीं, अच्छा वालिदी, या वालिदी मेरे या अबू। वालिदी, मेताफ नजरा नजारा। नजारा हाँ, वाइना, और एनक कहाँ है? एनक अच्छा नजारा आईना, ऐनक कहाँ है? हाजी हिजा नजारा तुल या वालिदी, ये मेरे वाल ये ले ऐनक या वालिद मेरे वालिद, भैया शाबाश। बिना इलाल मस्जिदे, मस्जिद है सर, इसका क्या मतलब है? भैया बिना हैया बिना एक फ्रेज है, आपने कहीं लिखा होगा, मैंने जो कहा था कि इसको बड़ा खूबसूरत करके लिखो, मोटा करके लिखो। हैया बिना, लेट्स अच्छा गो, चलो चलें, अच्छा चलो चलो, ये मस्जिद, अभी लिख लिया ना? अभी तो लिख लिया ना, हाँ पहले जी लिखा था, आप लिख जी लिया जी ना? जी जी हाँ, हैया बिना, चलो चलें, इधर मस्जिद, मस्जिद मस्जिद चले। हाँ, हैया बिना चलो चलो। वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाश लड़कियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे कुछ आसान किताबें भी हैं, जैसे ये एक किताब है इकरा, कोर्स है पूरा, ये भी पूरा कोर्स है। मैं बहुत सारे कोर्स पढ़े हैं हमारे पास ना। ये देखें, ये देख रहे हैं, यहाँ देखें कितना आसान आसान शुरू करता है, ठीक है, यहाँ से शुरू के, फिर हाजा किताबुन, ये पुराना तरीका हमारा ये था, हाजा कलमुन, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा 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 की सारी जो है ना, माँ हाजा फिर कर दिया, ये क्या है, माँ हाजा ये क्या है, इस तरह फिर वो करते करते। तमरीन तमरीन, तमरीन का क्या मतलब है सर? का मतलब है एक्सरसाइज, इस तरह फिर जो है, ये देख रहे हैं आप, एक्सरसाइज, ये चीजें करते। हाजा देखो जुमले की, देखो जरा, हाजा बैतुन, हाजा दुकानन, हाजा मस्जिदुन व हाजा बैतुन, इस तरह ना करते करते आपको हल्का हल्का समझाते हैं, ठीक है। तो ये आसान किताबें हैं, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें जी जी मुझसे सर, ना, खुद से पढ़ना चाहें, और पढ़ते मैं कहूँगा कि पढ़ें आप तो, और जो भी लफ्ज़ आपको नहीं आता ना, उसको नोट कर लें, या खुद गूगल कर लें, या फिर हमसे पूछें, ग्रुप में पूछें, तो आपको बता देंगे कि ये है क्या। सही। अच्छा, कल चूंकि छुट्टी है, एक ये भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं कुरान की तरह होता हूँ। ये जरा, ये कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने, मुझे जरा बता सकती है ना ये लड़कियां? आप मुझे जरा यहाँ से शुरू करो, यहाँ से पढ़ना था हमने, अम कुसो से ना, ये देखो जी मैं पढ़ता हूँ, आप चीजों अपने उसको लिखो अपने पास, ठीक है, सिदरा पढ़ती है, सिदरा आप पढ़ो और आप सारे नोट करो अब आप।
बिल्कुल खुल सिद्रा, आपने ऐसे पढ़ना है जैसे ना आप समझा रही हैं, एक एक हर्फ खुल के बताएं। अच्छा स्पीड ना पकड़े। वअंकुसु फिल मदरसती और मैं ठहरती हूँ मदरसे में 6 साथ 6 घंटे। वो अस्मा और दुरूसा और मैं सुनती हूँ अस्बाक को बी नशातिन चुस्ती के साथ व रगबतिन और रगबत के साथ। वो अजलिसु और मैं बैठती हूँ बी एक अदबिन सेकंड, थोड़ा आहिस्ता प्लीज बोले, ठीक सॉरी। है ठीक है। वो अजलिसु और मैं बैठती हूँ बी अदबिन अदब के साथ व सकीनतिन और खामोशी के साथ। हत्ता यहाँ तक के इजा इजन तहल वक्तु जब खत्म हो जाता है वक्त। वजुरिबल जरसु और घंटी बज जाती है। खरजतु अच्छा मैं निकलती हूँ खरजतु मैं निकलती हूँ मिनल मदरसती मदरसे से। वरजातु और मैं लौटती हूँ इलल बैत घर की तरफ। शाबाश शाबाश शाबाश। इसमें ये लिखा आपने, नाजिया लिखा, हेरा कुछ लिखा, वर्ब ले नहीं ली सर आप हम को सो आई हम रिमेन, कुछ ठीक हम को सो लिखो और आई रिमेन, ठीक है। और अस्माओ मैं सुनती हूँ, सर इसका क्या बताया वाम कुसु। मैं ठहरती हूँ अच्छा रहती हूँ, अस्माओ मैं सुनती हूँ, अजलिसो मैं बैठती हूँ, सकीना बीबी के साथ। इसके बाद है अदरिबो मारती हूँ, अदरेबो ऐसे अदरेबो मैं मारती हूँ, यहाँ पे मारने का, यहाँ अदरेबो मारती हूँ। पे मारने का तर्जुमा होगा। हाँ अदरेबो, यहाँ तो घंटी बेल बजाने के मानो में ना, पहले तो घंटी को मारते थे ना, हथौड़े से नहीं मारते थे जी यार। जी जी ओ ये वही है, लेकिन यहाँ हम मान लेंगे ना बेल बजाना, तो यहाँ अदरेबो मैं मारता हूँ। अच्छा अखरुजो मैं निकलता हूँ, ये क्यों, ये माजी है ठीक है। अब ये जहन में रखो कि ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है। ये क्यों है नाजिया, क्यों पास्ट टेंस है, ये इसकी क्या अलामत है कि ये माजी है। सर इसके स्टार्ट में आता ही नहीं है, इसके क्या कहा आपने, सर मुझे नहीं पता, सही हेरा तो बोले बताओ, हेरा बताओ। सर। ये वर्ब है लेकिन उसमें तो लम या लन आता है, अगर ये हमने वो तो नहीं है, यहाँ है ही नहीं, नहीं। इसके स्टार्ट में ना इसके जैसे वो है और इसमें अतैन स्टार्ट में शुरू से नहीं आता, इसी वजह से। हाँ हाँ देखा, इसके शुरू में अतैन नहीं, हमने ये दो ही टेंस होते हैं अरेबिक में, बताया तो है आपको, ठीक है, दो ही टेंस होते हैं। तो एक के सींग हैं, एक के सींग नहीं है, तो एक जो है नर है, एक मादा है, तो ये वो नहीं है, नर नहीं है ये, तो ये मादा है, तो ये माजी है। और रूल अच्छा ठीक ये है है ना, हमारी इसके, गलती थी ना। अब देखो इजा है ना, इजा जब आता है, रूल लिखवाया था, इजा जब आता है तो उसके बाद माजी आ जाए तो तर्जमा जो होता है वो मुजारे में होता है, जो हम पढ़ रहे थे हाल और मुस्तकबिल में होता है, मुजारे में ठीक है। जैसे इजा जा, जब आ जाए, नसरुल्ला अल्लाह की मदद। अच्छा तो आपके पास बहुत सारे वर्ब आ गए हैं ठीक है। जरा मुझे अपना हिरा वाकई सिद्धरा बताइए, जी सिद्धरा रूटीन जरा मुझे शुरू से बताओ, अपनी सुबह से उठ के हम जरा दोपहर तक की रूटीन कर लेते हैं, बताओ जरा। बगैर देखे यानी बगैर देखो वैसे अपना अपना जो आपका है रूटीन है, आप अपनी रूटीन को जरा, आप सबको कह रहा हूँ, आप अपनी रूटीन को जहन में रखें कि हम क्या कहेंगे, हम उसको लिख रहे हैं अभी ठीक है। बताओ शाबाश सित्रा, बताओ शाबाश अरेबिक में बताओ। कैफ अक्दी यौमी, शाबाश बताओ।
ये तो मुश्किल है, मतलब अरबी। नहीं अब पढ़ो ना सिदरा, शुरू तो करो, आप तो इससे भी गई है, क्या कर रही हो? दोनों का तुम्हें आ गया, हेरा का साया पड़ गया, हेरा का और इसका नाज़, शुरू तो करो, शुरू भी नहीं कर रही हो, तो शुरू कर देती है, चलो शुरू अना करो। अना मुबक, अना मुबक किरण मुझे शाबाश नहीं आ रहा। शाबाश अना, देखो ये देखो, मैं कहूंगा ना कि गलत है, आप तो नहीं कहोगे, पढ़ के कहोगी मैं तो गलत है, ये तो गलत है, ये आप, मैं कहूंगा ये गलत है, क्या कर रही हो, वो मेरा काम है ना डांटना, अनमोदक डांटना मेरे काम है, आपने पढ़ना है। अना किरण अनामो अनामो मुबक्किरन, सोती हूँ मैं जल्दी, फिल अकूमो अकूमो मुबक्किरन, उठती हूँ जल्दी, ठीक है, या जी अस्तैजो मुबक्किरन, जल्दी जागती हूँ, ठीक है, इसको लिख लो आप सारे अपने पास लिख लो जल्दी से, मैं जल्दी जागती हूँ, ये तो सारी कहेंगी ना, ये तो कोई नहीं कहेगा मैं लेट हूँ, आप ये भी लिख लें जरा, अस्तैकिजो मुबक्किरन लिखा, फिर लिखो अहयानन, सर, लिखो अहयानन अहयानन, कभी कभी, ये देखो समटाइम समटाइम्स अहयानन, इसको लिख लो याद भी कर लो, ठीक है, मैं जल्दी उठती हूँ कभी कभी, वाह अस्तैकिज़ो मुतअख्खिरन मुतअख्खिरन, देखो मैं लिख रहा हूं लेट, मुतअख्खिरन लेट उठती हूँ अहयानन, फिर वही लिखो अहयानन, कभी कभी, कभी जल्दी जागती हूँ कभी लेट जागती हूँ, क्या लिखा हेरा ने, क्या लिखा? अनामो मुबक्किरन, शाबाश, मैं जल्दी सोती हूँ। अकूमो मुबक्किरन, मैं जल्दी उठती हूँ। अस्तैकिज़ो मुबक्किरन, मैं जल्दी जागती हूँ। अस्तैकिज़ो मुबक्किरन अहयानन, कभी कभी मैं जल्दी जागती हूँ। वा अस्तैकिज़ो व मुतअख्खिरन, और मैं लेट जागती हूं। यहां से वो हटा दो, बस वो हटा दो, वो अस्ते जो मुताखिरन अहयानन, अच्छा इसके बाद जी, भी अहयानन दोबारा लिखो, कभी कभी मैं लेट सही। जाती हूँ, अच्छा ठीक है, नहीं अब ये हेरा ने भी ऐसे लिखा होगा मुझे पता है, अच्छा जी शाबाश, इसके बाद क्या करती आप लोग, क्या हेरा क्या करती है इसके बाद, जागने के बाद क्या करती है? जाग बाद उफती रू, अना उफती रू। आज जागते ही नाश्ते में टूट पड़ती है, तो क्या लड़कियां हैं। अच्छा भैया देखो मैंने भी नमाज नमाज पढ़ते हैं, उससे वजू पहले, उससे करते पहले 10-12 काम था, उससे हैं, पहले भी देखो, वजू नहीं मैं क्या करता हूँ, मैं जागता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अद खोलो लिखो, अद खोलो अना अद खोलो अल्हम्मामा, मैं हम्माम में दाखिल होती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ ना, ये हेरा कैमरा बंद कर दो, ये सॉरी सर। चुप्पा मैंने बंद कर दिया, छोड़ो, अदखुलु अल-हमामा, मैं वॉशरूम दाखिल होती हूँ, ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद क्या करती हूँ वहां पे, अतवद्दओ अतवद्दओ अव्वलन, अव्वलन लिखो अव्वलन, पहले वुजू करती हूँ, ठीक है, सुम्मा सही, फिर सुम्मा अमशी अमशी, मैं चलती हूँ अमशी अमशी, मैं चलती हूँ इला अल मुसल्ला, मुसल्ला जाती हूँ, मुसल्ला मुसल्ला, नाजिया तुम्हें पता नहीं, मुसल्ला वो जगह होती है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, घर में, अच्छा ऑफिस में, घर में, रेलवे स्टेशन पे, जो छोटी जगह बनाई जाती है, अच्छा अच्छा हेरा पढ़ाई क्या की लिखा, है वो मतलब जानवा। हेरा क्या लिखा सारा बताओ, एक जुमले बताओ, मैं उठती हूँ, ठीक है, फिर क्या शुरू करते हैं, अस्ते की जो, नहीं से बताओ नहीं अभी नहीं ये बस वाला देखो एक जुमला, आप ना। एक जुमला ले लो उसमें से, कि अना अस्ते की जो मुबक्किरन, ठीक है,
أدخلوا شبش. ها أنا أستيقظ مبكرا، मैं जल्दी जागती हूँ. أنا أدخل حمام. नहीं, मैं हमाम नहीं, ऐसे नहीं करना, हमام. ऐसे नहीं करना ना, इसमें जबर ओके जेर पे अच्छा बड़ा फर्क, बहुत फर्क आता है, मैं ऐसे नहीं करता ना। अदखुलू अलहमामा, أنا अलहमाम أدخل الحمام. शाबाश मैं शाबाश वॉशरूम में दाखिल होती हूँ. शाबाश। अतवद्दअ अव्वल अव्वल पहले अवलन मैं अवलन, अव्वल आप रोमन में नहीं अव्वल लिखोगी, ऐसे ही चलते रहेगा आपका। क्यों बात नहीं मानती उस्ताद, क्यों अच्छा उस्ताद के पाँव पे पाँव नहीं रखती, क्या अवलन लड़की ही पता नहीं। हाँ अतवद्दअ अवलन, अव्वलन हाँ पहले मैं वजू करती हूँ, हाँ सुम्मा अमशी फिर मैं चलती हूँ अलमुसल्ला. इलल इलल मुसल्ला, इलल मुसल्ला शाबाश, इलाल मुसल्ला. मैंने अलग अलग पढ़ा था ना, इला अल मुसल्ला पढ़ा था मैंने, तो आपने इलल मुसल्ला कर देना, शाबाश ठीक, अभी जिंदाबाद। आपने मुसल्ला का बताया, मेरे जहन से निकल गया जाए है जाए, नमाज पढ़ने की जगह की तरफ, हाँ छोटी मस्जिद, घर की मस्जिद ठीक घर की मस्जिद. हो गया, घर की या ऑफिस की मस्जिद जहाँ भी होती है। ठीक अच्छा जी, इसके बाद लिखें, इसके बाद आप नमाज पढ़ती हैं। अच्छा, लिखो उसल्लीम अल्फजरा बिस्सकीना, बिस्सकीना, देखो ऐसे लिखोगे आप उसमें लिखो, रोमन कह रहे हैं आप उसमें लिखो बिसकीना सकीना, सकीना के साथ, सकीना सर, के बिल साथ सकीना या बिस 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 सकीना बिस बिस बिस, ये लाम अरिफ बंद है, आपको तो मैंने शमसी हुरूफ है, ये शमसी दिए थे रूफ एग्जाम में, शमसी नहीं पढ़े ना उसमें, सीन ओड़ी सीन और बस. सा जब भी आया करेगा, सीन स्वाद सा, उसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता, बिस सकीना। तो मैं सुकून के साथ नमाज पढ़ती हूँ ठीक है, सुम्मा लिखो सुम्मा ओके अतलू शयअन, सर, एक मिनट. मिन अल कुरान अल करीम, मिन अल कुरान शया, मिन अल कुरान ठीक हो गया। अच्छा इसके ये तो बाद, मुझे आता है सर. फिर मैं तिलावत करती हूँ हाँ कुछ कुरान कुरान की. कुरान, शयन सर इधर कुछ आएगा या हाँ थोड़ा कुछ कुछ, आएगा. हाँ कुछ, हाँ कुछ। तो अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, सुम्मा अखरुजो अखरुजो, हाँ इलल अखरुज हदीका इलल हदीका, फिर मैं चमन की तरफ या पार्क की तरफ निकलती हूँ, वो अजरी कलीलन, और दौड़ती हूँ थोड़ा सा, वो अजरी अजरी. कलीलन, और सर वॉक करने को क्या बोलेंगे? है वॉक को, हाँ वो मुश्किल लग रहा है, ये इसे कौन पूछ रही है, सिद्रा मैं कौन है, सिद्रा पूछ रही है, सिद्रा को बताता हूँ मैं, सिद्रा लिखो अतजवलो आता जब बोलूं. अतजवलो, शाबाश अतजवलो, रोमन में लिखो अब अतजवलो का मतलब होता है घूमती हूँ थोड़ी सी, घूमती लड़कियां घूम जाती है, अतजवलो कलीलन, घूम फिर लेती हूँ, मेरा वॉक कर लेती हूँ, वॉक अच्छा हुआ लो, सॉरी सर, ये वाजरी कलीलन, वाजरी का मतलब मैं चलती हूँ, दौड़ती दौड़ती हूँ दौड़ती हूँ, रनिंग करती हूँ, हूँ. रनिंग करती हूँ, अच्छा वो मैंने रनिंग का है, दौड़ और अतजवलो जो है ये है वॉक करने का, और कलीलन थोड़ा, मैं थोड़ा हाँ दौड़ती हूँ. अच्छा हाँ ये थोड़ा है, कलील का मतलब थोड़ा होता है ना, और शेयन का मतलब कुछ समथिंग। अच्छा जी, इसके सही. बाद तुम अर्जिओ इलल बैती, फिर लौटती हूँ घर को, तो क्या होता है फिर, घर आती हूँ तो उफ तेरो ना, सॉरी अर्जिओ इलल बैत हो गया ना, इसके बाद अस्तहिम्मो
कैसे लिखते हैं सर ये अस्तहिम? अस्तहिम 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 अस्तहिमो अस्तहिमो अव्वलन, पहले नहाती हूँ, अस्तहिम पहले नहाती हूँ, वो जो गुसल का होता है ना, गुसल अरबी में धोने के लिए आता है, धोना, वो नहीं है, अपने अस्तहिम इस्तेमाल करना है, नहाना, अस्तहिमो, अस्तहिम हाँ जी अस्तहिमो, अस्तहिम नहाती हूँ, और फिर क्या अस्तहिम करती हूँ, फिर मैं सुम्मा उफ्तरो, बस ठीक है, फिर उफ्तरो, सुम्मा उफ्तरो, मा अल उसरा, मा अल उसरा फैमिली के साथ, फैमिली के साथ नाश्ता करती, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद सर क्या है, ये आपने कैसे सेंटेंस बना रही हैं? हम क्या कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो आप ऐसे ही डरी रहती हैं यार, आप पढ़ती नहीं, हो जाएगा ये, मैं आपको आपको बता रहा हूँ, आप आपने ना इसके साथ इसको समझना है, और ये सबक का किताब आपके पास ही है ना, तो आप इससे ना अपना जी बनाओ कि मैं कैसे वर्ब आपको आ रहे हैं ना, तो आप खुद से बनाओ कि मैं, और क्या आप उर्दू में बनाएं, ठीक है? अगर आपको जैसे आप कह रहे हैं कि इसके बाद मैं चटनी बनाती हूँ, तो अब इसकी क्या अरबी होगी, आप उर्दू इंग्लिश में लिख लो, फिर बाद में हम देख लेंगे, ठीक है? वो फिर हम कर लेंगे। सही हाँ तो आप बनाओ पहले से, सर, मतलब हम उर्दू में लिख लें अगर पूरा जो भी नहीं हमारा पूरा शेड्यूल नहीं लिखना, सिर्फ लफ्ज लिख है। सकती है, कोई जुमला भी नहीं लिख अच्छा सकते, जुमला भी नहीं लिख सकते आप उर्दू में, इंग्लिश में आपने सिर्फ लफ्ज लिखना ठीक है, जैसे चटनी का, चटनी की आपने है ठीक चटनी, फिर मैं खाती है, हूँ तरबूज, तरबूज लिख लो उर्दू में, फिर अच्छा हम बाद में देख ठीक है लेंगे, सर। इन लफ्जों को आप बता सकते। वैसे सर आप होमवर्क देते हैं तो फिर वो ज्यादा मुझे याद रहता है। अब ये हाँ कौन, ये कौन सर ये जबरदस्त, बात सही कह रहे हैं। हेरा नहीं है, नहीं हेरा कह रही है ना, जी जी ये सर हेरा का ये प्रॉब्लम है, हेरा नाजिया और सिद्रा से मुख्तलिफ है, और ये हर एक का ऐसे मुख्तलिफ होगा कि हेरा और जितने बच्चे भी बाहर रहते हैं ना, वो लोग एक्टिव ही जो है वो होमवर्क से होते हैं, कि उनको एक्टिविटी देंगे तो वो तब कर सकती होती हैं चीज़ों को, बच्चे भी इनके ऐसे, उनको एक्टिविटी देंगे तो तब वो ज़्यादा गेन करते हैं, बजाय पढ़ने के और पढ़ाने के और उनको लिखवाने के या डिटेंशन करने का, एक्टिविटी देंगे तब वो सीखते हैं, तो ये अच्छा है, और ये जी बहुत अच्छा होना, सबका ऐसा होना चाहिए कि आप होमवर्क से करें, माशाल्लाह तो अच्छी बात है। आप शुरू करो ना, मैं आपके साथ हूँ, आप, मैं कह रहा हूँ आप पूरी रात तक के सारे मामलात लिख लो, 3 दिन आपके पास हैं, आप में 3 दिन आपके, मैं भी हूँ ना, तो व्हाट्सएप करती रहो साथ साथ जुमले ना, आप मुझसे ना पूछते रहो साथ साथ। अच्छा सर मैं अब 3 दिन में, अगर 3 दिन में आप पूरा दिन नहीं लिख पाती तो ये तो ज्यादती होगी ना, इसलिए आप क्या करो, जी लिखो सारा दिन लिखो, यानी खुद को टास्क दो ना, आज मैंने जो है ना ये फजर का टाइम कवर करना है, मैंने सर को दिखाना है, फिर उसके बाद जी दोपहर का, तो ये 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप वो छोड़ देंगे ना, बस वो फिर गया काम, तो करो साथ करो, मेहरबानी करो, होमवर्क किया करो, और इसमें बहुत फायदा ठीक है। अच्छा जी ठीक है, चलें अब जरा मैं आपको थोड़ा सा कुरान मजीद से सिखाना चाहता हूँ, 3600 में है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें वुजू की दुआ है, जरा देखें ऊपर देखें क्या लिखा है, कबला, कबल, कबल का मतलब होता है पहले, पहले, और ये बराबर नहीं है, यानी इसका अपोजिट है बादा, बादा, तो सॉरी लिखा सर, हुआ है, मैं माइक ऑफ करके साथ ही ले जाऊं इसको, किचन में ऑफ नहीं करती क्लास। हाँ हाँ प्लीज 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 प्लीज, ठीक है फिर हाँ हाँ प्लीज, मैं, क्योंकि हाँ हाँ 40 ठीक हो गए हैं, मैंने जाना है, तो फिर मैं ये हाँ ऑफ नहीं करती, मैं ना, माइक हाँ ऑफ कर देती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। अच्छा देखें अब ये है कि कबल अल वुदू, वुजू से पहले, अब हो गया जी बाद अल वुदू, अब देखो ना, अब आपको काम आएगा जहरा, कि आप कहोगे कि बादल इफ्तार या बाद सलात, ठीक है ना, बादल कुरान, जी
इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, तो इस तरह की चीजें आप अक्सर सीखेंगे ये अल्फाज। बिस्मिल्लाहे असल में था बिस्मिल्लाहे, लेकिन एक रूल है जिसको हम कहते हैं कसरते इस्तेमाल। कसरते इस्तेमाल की वजह से इसका अलिफ जो है ना वो खत्म हो गया, तो बिस्मिल्ला हो गया। बिस्मिल्ला का मतलब है अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्ला पढ़ते हैं वजू से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जी इमाम शाफी के नजदीक जो है बिस्मिल्लाह पढ़ना ये जो है वाजिब है वजू में, और हमारे अहनाफ के नजदीक नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। और यही जो है ना इसकी वो भी है, नीयत भी है वजू की, बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। अच्छा जी, अशहदो मैं गवाही देती हूँ, अल के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, वाहदाहू उसके, देखा ना हिज, उसके सिवा वाहदहू वो अकेला है, वो यकता है, वाहदहू उसके वाहिद होने की गवाही देती हूँ, ला शरीका नहीं है कोई शरीक पार्टनर लहू उसका उसके लिए उसके लहू। मैं आपसे कहता हूं कि ये मोबाइल किसका बज रहा है, तो आप कहेंगे लहू उसका। मैं कहूंगा ये कलम किसका है, आप कहेंगे लहू उसका। ठीक वहदहू वाहिद अहद तोहीद, वाहिद एक को बोलते हैं, वाहिद एक। अहद का मतलब होता है यकता, जिसका ना आधा हो ना दो हो। वाहिद के तो दो है ना, वाहिद को तो हम निसफ भी कर सकते हैं ना, लेकिन अहद को नहीं कर सकते। ठीक है, इसका दो नहीं है, इसका आधा नहीं है, अल्लाह ताला अहद है। इस तरह तौहीद है, तौहीद का मतलब होता है एक की गवाही देना, एक मानना। ठीक है, तौहीद एक मानना, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं। पार्टनर 40 दफा ये आया हुआ कुरान मजीद में लहू। अब ये एक गर्दान है, आपने अभी तक वर्ब सीखे थे ना, अब जरा ये देखो, जरा इसके ना जरा पार्टिकल के जरा देखो बना के, ये जमीरें हैं सारी, देखो इसको याद करना है, अच्छी बात है। देखो ऐसे ये 6 हैं सिर्फ, बहुत खूबसूरत है ये। देखो आपने कहना है लहू लहुम उसका उनका, लहू लहुम। अब ये तो पता लग गया ना कि हुम जमा होता है, तो लहू एक है, जी उसका लहुम उन सब का, लका तुम्हारा, लकुम तुम सब का, ली मेरा, लना हमारा हमारे लिए, और लहा उस लड़की का, लहा उस लड़की का होता है, ये इजाफी है। लेकिन आप ये 4 तो याद, 6 तो याद कर सकते हैं ना आप जुबानी। ऐसे पता क्या जी कहो, ऐसे कहो देखो, लहू लहुम लका लकुम ली लना, किताबुहू किताबुहुम किताबुका किताबुकुम किताबी किताबुना, हाँ रब्बुहू ऐसे रब के साथ भी कह सकते हो, रब्बुहू रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम जी रब्बी रब्बुना, ये वही है जो आपने याद किया हुआ है। ठीक है ना, अब आपको समझ आ रही है सर, इसकी अहरा, इसकी प्रैक्टिस जी करनी जी है, जी इसको आपने एक सांस में पढ़ना है, एक सांस में लहू लहुम लका लकुम ली लना, ठीक है ऐसे पढ़ना है आपने, लहा ये 40 दफा करोगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो हाँ लहा को भी पढ़ूं सर साथ या फिलहाल हाँ इसको? लहा का पढ़ लो। खैर लहा का मतलब है फॉर हर, फॉर हर। सही अच्छा जी, इसके बाद है जी आप कह दो कोई आयत लिखिए नीचे, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। लकुम का मतलब है तुम सब के लिए, फॉर यू ऑल। लकुम दीनुकुम तुम्हारा, तुम सबका दीन है, तुम सबके लिए तुम सबका दीन है। वाह, और ली या मेरे लिए, वली और मेरे लिए, दीनेन मेरा दीन है, यहां भी या है, दीन के बाद भी या है। जी
तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन है और मेरे लिए मेरा दिन। अच्छा, जिसके बाद आता है अब्दुहू। अब्दुहू का मतलब होता है उसका बंदा, वही है रब्बुहू का उलट है अब्दुहू। रब्बुहू उसका रब है ना, अब आ गया है अब्दुहू उसका बंदा है, बस इतनी सी बात है। ये हु को आप चेंज भी कर सकते हैं, अल्लाह, अब्दुल्ला, अब्दुल रसूल, अब्दुल करीम, अब्दुल रहमान, सारे हैं, अब्दुल मुत्तलिब। वह रसूल हूँ उसका रसूल, ठीक है। ये आपने दुआ पढ़ रहे हैं हम लोग ने, वजू के बाद, वजू की दुआ है। वजू के बाद आपने ये कहना है अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा का तर्जुमा लिखें या अल्लाह, या अल्लाह को जब लिखते हैं तो अल्लाहुम्मा कर रहे थे। इजअलनी, अब इसमें दो लफ्ज हैं, अब आप देखो इजअल को अलग लिखो, इजअल, इजअल बराबर है, यानी इसका मतलब है बना दो, कर दो, कर दो, इजअल कर दो, कर दो, बना दो। नी मुझे, नी का मतलब लिखो मुझे। अच्छा सिद्रा, या देखो ऐसे बोलते हैं कतल नी, उसने मुझे मारा। हाँ, ओके शकरनी, उसने मेरा शुक्र अदा किया। वर्ब के साथ देखते हैं। अच्छा, तो क्या बात होगी, इजाल नी मुझे बना दो, क्या मिन से, फ्रॉम, तवाब, तवाब कहते हैं बहुत तौबा करने वाला को, और या नून लगा दिया तो जो बहुत तौबा करने वाले लोग हैं उनमें से मुझे बना दे। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तवाबीन, ए अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वालों में बना दे। इसके बाद क्या है, इसके बाद है, अच्छा यहाँ क्या लिखा, हाँ ये लिखा भी हुआ सर, तो सर ये इतनी छोटी दुआ है बस। नहीं एक और भी है ना। अच्छा अच्छा, फिर इसके बाद है अल्लाहुम्मा, तो वो आप कहते हैं बहुत तौबा करने वाले। ये लफ्ज भी देख लो, ताबा, उसने तौबा की। और दूसरा है ताइब, ताइब का मतलब होता है तौबा करने वाला। ताइब वो बंदा होता है जो तौबा करता है, ताइब। आप ताइबा है तो इसका मतलब है कि आप तौबा करने वाली, तवाब बार बार तौबा करने वाला। और ये साथ में मिला दो लड़की, वजअलनी मिनल मुतातहिरीन, बस ये दुआ है। वजअल और बना दे मुझे मिन से अल मुतातहिरीन, मुतहिर। देखो इसके अंदर कितना बड़ा लफ्ज है ये, लेकिन इसके अंदर तीन हर्फ है। हमने पहले दिन पढ़ा था कि अरबी के बड़े बड़े लफ्जों में भी तीन हर्फ असर होते हैं। यहाँ देखो तीन लफ्ज क्या है, तोहर, तोहर लिखा हुआ है, यानी कि पाकिजगी, तहारत। तो मुतातहिरीन वो लोग जो के पाकीजा रहना चाहते हैं, पाकीजगी हासिल करना चाहते हैं, मुझे पाकीजा लोगों में बना दे। तो अल्लाहुम्मा जालनी अच्छा मिन तवाबीना वजालनी मिनल मुतातहिरीन, बस इतनी दुआ है ने उसकी वजू की। ये नमाज शुरू हो गई, नाजे कह रहे नमाज नमाज नमाज, ये नमाज भी शुरू हो गई है। लेकिन आप रूल सीखते रहो, रूल्स जितने आपको जल्दी आएंगे ना आपको और भी सारी आ जाएगी इंशाल्लाह, ये चीजें सारी आ जाती है सर। आपने बस पढ़ते जाए, आप लोगों ने ठीक छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप बहुत कुछ जो है वो खुद बखुद गेन कर लेंगे इंशाल्लाह, आपका सारा कुछ पढ़ती रहे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।